अस्सलाम रहीकुम आप देख रहे हैं डी डी पी मैंने इससे पहले भी वीडियोस अपने वीलॉग जो अपलोड किए उसमें मैंने सेनेटर आज़म सवाती साहब का केस जो है वो भी डिस्कस किया उसके बारे में कहा लोग नीचे कमेंट्स वग़ैरह लिखते हैं और अक्सर कमेंट जो लिखे गए उसमें ये कहा गया कि जरा साहब आप अपने अदारे को क्रिटिसाइज़ नहीं करते ये भी कहा गया कि आप अपने अदारे को कवरअप करते हैं ये मेरे लिए काबिल अफसोस चीज़ है कि मैं अगर मैं अपने अदारे की गलती देखता हूँ तो ना सिर्फ मेरे जो अदारे में जो ताल्लुकात हैं मैं उनको बताता हूँ बल्कि मैं यहाँ भी कहने से गुरेज नहीं करता अगर अदारा मुल्स हो लेकिन इस मामले में जो आज़म सवाती वाला मामला है वहाँ पे वो वीडियो वगैरह बनाई गई मैं इस मामले में यहाँ पे एक छोटी सी वजह ज़रूर देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि अदारा मुलवस नहीं है देखिए पहली बात यह है कि मैं उस अदारे में रहा हूँ मेरा अपना तजर्बा है मैं डायरेक्टर मिलट्री इंटेलिजेंस भी रहा हूँ जहाँ तक मेरा तजर्बा मेरी सोच है मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे इन अदारों में जो आर्मी के दो हैं आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस वो इस तरह के घटिया और गलीस काम करते हों उनके पास वक्त नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ें करें लिहाजा बड़ा रेयर है अगर किसी ने किया है तो वो बिल्कुल मेरे लिए वो एक अजूबा होगा क्योंकि मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये चीज़ नहीं देखी दूसरी बात यह है कि दिफाई अदारे एक सेंसिटिव अदारे होते हैं जो हमेशा दुश्मन के क्रिटिसिज्म का या दुश्मन की चालों का टारगेट रहते हैं और आजकल के दौर में जहाँ हम फिफ्थ जनरेशन बॉर की बात करते हैं वहाँ होता यही कुछ है कि आप एक अदारे को दिफाई अदारे को बदनाम करने के लिए कमज़ोर करने के लिए उसे आवाम से दूर करने के लिए अब बहुत बहुत तरक्की किस्म के इल्ज़ाम लगा के तो प्रोपागेंडा शुरू करते हैं आवाम में प्रसप्शन बन जाती है आवाम यकीन कर लेते हैं और उसके नतीजे में फिर आवाम और इस अदारे के दरमियान दूरियाँ पैदा हो जानी होनी शुरू हो जाती हैं जो कि आपके मुल्क की सरहतों के दिफा के लिए बहुत ही अहम है चुनाच मैं नहीं चाहता कि मैं दुश्मन का आलाकार बनूं और मैं अपने अदारे को या फौज पाकिस्तान को बगैर किसी शवाहद के बगैर किसी आ, मेरे पास जब तक कोई सबूत ना हो उस सबूत के बगैर मैं उस पर तनकीद करूँ तो मेरी तनकीद बड़ी हद तक दुनिया फ़ौर मान लेगी क्योंकि मैं मेरा दिफा से ताल्लुक़ है इसलिए मैं ये काम नहीं करना चाहता कि जब मेरे पास कोई सबूत या शवाहद नहीं और एक परसेप्शन एक प्रोपेगेंडा किया गया है तो उसकी बुनियाद पर मैं अदारे को इल्ज़ाम ठहरा दूँ तो उससे आप खुश हो जाएंगे लेकिन आ, मुल्क का और अदारे का बड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है फिर ये भी है कि आप ये चीज़ जहन में रखें कि आप अच्छा कहें बुरा कहें वो आपको कुछ नहीं कहेंगे वो हमेशा वो आपको आपका दिफा जो है उसके मामले में या जब भी कभी कोई आफात आती हैं कुछ भी आता है वो वही लोग जिन्होंने उनको बुरा भला कहा होता है वो उनके लिए उसी तरह की एक फ़सील बनते हैं एक दिफा का ज़रिया बनते हैं जो उनको उनके फ़र्ज़ ने सिखाया है कि ये उन्होंने पूरा करना है लिहाजा वहाँ पर एक मुराल का फैक्टर कि उनकी हौसला अफजाई वो भी अगर हम इन चीज़ों की वजह से उनके हौसले पस्त करें तो वो भी हमारा अपना नुकसान है कि अदारा जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर बग़ैर सोचे समझे तहमतें तो लगाई जा रही हैं हाँ अगर किसी ने कोई ऐसी जलील हरकत की है और कल को कोई शबाह आए तो वो बिल्कुल वो अदारा ख़ुद भी सजा देगा अदारा हमेशा अपने ऐसे कोई गलत काम किए हों लोगों ने और पकड़े जाए तो वो उनको सज़ा ज़रूर होती है फिर यहाँ पर एक और जो चीज़ है जो मेरे जहन में आती है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे बिला वजह किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए हमारे मुल्क में बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और भी और उनमें आई बी सब बड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका बहुत ही अहम रोल है जो मुल्क के अंदर बड़ा अहम रोल अदा कर रही है उस इंटेलिजेंस एजेंसी इनके पास भी वसाइल बहुत हैं आप ज़रा पीछे चले जाएं, तो मियाँ नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी जब दूसरी दफ़ा वो वज़ी बने हुए थे और जनल मुशर्रफ़ के साथ उनकी चपकलश हुई तो जनरल मुशर्रफ और ये एजाज शाह साहब वगैरह इन लोगों की टेलीफोन टेपिंग टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना हालांकि मिलिट्री सिस्टम जो है आपका कम्युनिकेशन का वो बड़ा सिक्योर होता है लेकिन मियाँ साहिबान के पास इनकी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी जो उन्होंने पब्लिक भी की। अब आप सोचिए कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ख़ुद उनके सामने एक लिहाज से आप कह लीजिए कि बेबस हुआ कि उसके भी टेलीफोन उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए इसी तरह जब धरना हुआ इमरान ख़ान ने धरना दिया तो उस जमाने की इस्लाम जो जो डी जी आई एस आई थे उनके टेलीफोन कॉल्स जो रिकॉर्डेड थी जिनका जिक्र आपको याद होगा मरहूम सेनेटर थे इनके नून लीग के उनका उन्होंने किया डी बी सी को इंटरव्यू में उन्होंने ज़िक्र किया तो यहाँ पर ये जहन में रखना चाहिए कि ये टेलीफोन रिकॉर्ड करने और फिल्में रिकौर्ड बनानी रिकॉर्ड करनी जिसरा आजम सवाती साहब वगैरह किए ये काम एक ख़ास ग्रुप का है जिसने जा मलिक की वीडियोस नहीं या जो बरमला कहते हैं कि हमारे पास वीडियोस हैं तो मैं इन सब चीज़ों को जानते हुए मैं सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए किसी को मैं इंतहाई मोतबर अदारे जो हैं मुल्क के उनके ऊपर मैं इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दूँ तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए मुनासब नहीं होगा ये चीज़ें मुल्क के लिए ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो आ, हम अफवाहों पे काम नहीं करते और ना ही मैं कभी झूठी कहानियाँ लेके तो बयान करनी शुरू करता हूँ मेरा तो मकसद ही वी बनाने का होता है कि हमारे आवाम में शूर बढ़े आवाम के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा आए उनको हक़ाक़ पता लगें उनको सही तजिए मिलें इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी डिप्लोमेसी पर भी फ़ॉन पॉलिसी से रिलेटेड इशूज़ पर और पॉलिटिक्स पे भी अगर हम अगर मैं बैठ के यहाँ पे कहानियाँ और अफवाहों की बुनियाद पे सेंसेशन फैलानी शुरू कर दूँ या मैं यहाँ पे आ, कोई कंस्परीसी थ्योरीज जाली किस्म की लेके शुरू कर दूँ तो उससे हो सकता है कि आप सब वक्ती तौर पे महसूस हों सुने और खुश हों लेकिन बिलाकर आप कहेंगे कि ये शख्स हमें रोज़ झूठ सुना के चला जाता है तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि मैंने अपनी सर्विस में अपने इंटेलिजेंस कैरियर में भी और वैसे भी मैंने देखा है कि यहाँ पे और इंटेलिजेंस अदारे हैं जो कि बहुत कुछ करते हैं ऐसी चीज़ें जिनसे कि आपके मुल्क में ऐसे मामला होते हैं और हमारे मियाँ साहब तो इस काम के उनकी तो माहिर हैं उन्होंने तो खुद पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का इजहार किया था सो किसी और पर उंगली उठाना जब तक के कोई शवाहद ना और साबित ना हो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है अब आगे जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आज़म सवाती साहब की वीडियो उन्हीं के पास थी उनकी बेटी को गई वो किसी ने नहीं, नहीं उनसे ली और खुदाजा ने किस वीडियो का खुद ही एक कहानी बना के तो कह दिया ये फेक है अब आप सोचिए कि यहाँ पे एक एफआईआर इमरान ख़ान ने दर्ज करानी है जो कातिलाना हमला हुआ चार दिन हो गए वो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही आज अगर सवाती साहब कहते कि जी मेरी वीडियो को का फॉरेंसिक ऑडिट कर दीजिए तो शायद एक साल तक उसका ना होता ये है जो हैं ये फौरी तौर पर ले के मैदान में चूँकि इन्होंने ड्रामा रचाया और पब्लिक का रिएक्शन देखा तो अब उसमें अपने आप को बड़ी जिम्मा करने के लिए इन्होंने दो तीन काम कर लिए एक, एक, एक वीडियो को फेक करार दे दिया और करार देने के लिए ना किसी ने इनसे रिक्वेस्ट की ना किसी ने इन, इन इनको कहा कि जनाब ये वीडियो है हमारे वाली इसको देखें उसको देखा ही नहीं सो पहली बात यह कि जब भी ये एक तो हरकत बड़ी गलत करते हैं फिर भोंडे तरीके से उसको कवर अप करना शुरू करते हैं और हमेशा अपना मुँह काला करके पकड़े जाते हैं अब अगला काम देखिए सुप्रीम कोर्ट लॉज़ेस में जहाँ के आज़म सवाती साहब रहते हैं आज़म सवाती साहब को आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कहीं ठहरे ही नहीं इसका मतलब है कि आज़म आज़म सवाती साहब कहीं आलम ख़्वाब में थे उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ ठहरे जबकि उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट लॉज़ेस में ठहरा हूँ कोयटा में और, और मुझे सादक संजरानी ने ठहराया था तो सादक शंजरानी ने भी इस चीज़ की कोई तरदीद नहीं की कि नहीं मैंने वहाँ तो नहीं उनको ठहराया वो भी खामोश हैं पहले तो उन्होंने तरदीद की ही नहीं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के उससे आने से तो खामोश हैं अब आप इमेजन करें इसमें लाजमन सुप्रीम कोर्ट के जाय साहबान को तो इल्म नहीं होगा उन्होंने अपने रजिस्ट्रार वगैरह से ही पूछा होगा उसने जो जवाब दे दिया आप ज़रा सोचिए गौर करिए कि क्या आजम सवाती को कोई रास्ता मिल सकता है इंसाफ का वो सर निकालेगा आगे से आपको कोई ना कोई माफिया उसको पकड़ के पीछे कर देगा सो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे हैं कि इंसान सोचता है और ये दुख होता है कि हम बिल्कुल एक ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं जिसको ख़त्म करना आम तरह के तौर तरीके जो आप इस्तेमाल करते हैं कि जी वो आ, आपने एहतजाज किया तो उससे हट दें वो कारगर नहीं है यहाँ पर अब ये ये सिलसिला जो है ये ख़ुदा जाने मुल्क को कहाँ ले जाएगा क्योंकि जो साहब इकतदार हैं बैठे हुए वो ये जानते हैं कि इलेक्शन कराए तो वो जलीलुखार होकर निकलेंगे उनको ये भी पता है कि आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया हुआ है चुनाचे वो ये समझते हैं कि जितना लम्बा काम किया जाए जितना तोल दिया जाए इस किस्से को उतना ही उनके लिए मुनासब है लिहाजा ये वो आ, हालात हैं जो कि मुल्क को आए दरपेश हैं और उनकी वजह से मुल्क इंतहाई तकलीफ में और नुकसान में है हमारे तमाम अदारे इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं सहाफत भी ये इस आप आप इनको देखिए जो वीडियो वाला ड्रामा ये जो हुआ इसका इसकी फ़ौर वो फेक वाली कहानी लेके वो सहाफ़ी चल पड़े वो पता नहीं या तो वो पोलराइजेशन की वजह से है या उनका कोई और मफाद हैं लेकिन कोई शुभा ज़िंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें हम देखें कि कहीं कोई इखलाकियात इंसाफ़ और अल्लाह ताला का खौफ मौजूद हो वो है ही नहीं तो इन चीज़ों की वजह से डर आता है कि हमारे मुल्क का कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए बार सूरत दुआ हैं कि के रबुलामी अपने ज़ुबान में रखे इन लोगों को हदायत दे आवाम को बहुत सूरत सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने मुल्क को कैसे संवारना है और अपने हकूक़ के लिए क्या करना है अपना हक लोगों से इन 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 काबिज़ लोगों से कैसे वसूल करना है ये वो चीज़ है जो कि बिल आखिर आवाम को करनी होगी आज के लिए इतना ही अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद